नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल का लौंडा और आप सबका स्वागत है हमारे नए शो लर्न तक कल तक में, जहां हम बताएंगे YouTube में चल रहे ड्रामों के बारे में, जिसका आइडिया स्वयं हमारे श्री 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 भोसड़ पप्पू जी ने दिया है। पर भाई व्यूज जो है ना, वो फेस कैम वाली वीडियो से नहीं, गेम प्ले वाली वीडियो से आएगी, तो गेम प्ले वाली वीडियो बनाओ। ठीक है भाई, अगर हमारे भोसड़ पप्पू को ऐसा लगता है तो चलो भैया वैसी वीडियो बनाते हैं। 2018 जहां भैया चला था ड्रामा, रैपर्स का ड्रामा, जहां कुछ लोग भैया डिस पे डिस निकाल के एक दूसरे के ऊपर अपनी गुस्सा निकाल रहे थे, तो कई लोग भैया अपना हाथ साफ कर रहे थे इस ड्रामा का फायदा उठा। खैर भसर चालू हुई थी एमिवे और रफ्तार के बीच में, जहां भैया हमको डिस पे डिस देखने को मिला, जिसको देख के ना भैया बिग बॉस देखने वाली पब्लिक ना बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि भैया उनको लड़ाई देखना बहुत पसंद है ना यार। खैर एक पॉइंट पे आके ये ड्रामा रुक गया, जिस बीच में भैया हमारे डिवाइन भैया ने बोला था, इनके नाम में ये हमारा तो कहां से ये रोकड़ा भाई, ये छोटी सोच वाले प्रियंका चोपड़ा भाई, मेरी बारी बाकी है मेरा भाई, और जब मैं बोलता ना तो सब खोल डालता हूं। खैर बात हुई थी 2018 में, पर भैया डिस आया 2020 में। खैर ये पता नहीं था कि भैया बहुत जल्द मतलब 2 साल लग जाएंगे। तो और केकेएल आर्मी क्या चल रहा है, तो यार यूट्यूब पर फिर से चालू हुआ है रैपर्स ड्रामा, जहां भैया अब भिड़ चुकी है एमिवे, बंटाए और डिवाइन की। अगर तुम लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये ड्रामा फिर से कैसे चालू हुआ, आखिर क्या हुआ कि भैया ये तो फिर से भिड़ गए, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई आया सब कुछ समझाएगा ठीक है। तो चलो आओ ना यार, अब बिना किसी लौड़ा लासन के ना, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीन तब चालू हुआ जब भैया डिवाइन भैया ने इंस्टा पे लाइव आया और कुछ टॉन्ट मारते हुए एमिवे को ये कहा, टीम से पूछा तो 80 मिलियन स्ट्रीम्स हुए यूट्यूब पे नहीं, खाली स्ट्रीम्स में, क्योंकि स्ट्रीम्स में ही असली मालूम पड़ता है कि तुम्हारा तुम कहाँ पे खड़े हो। यूट्यूब पे कोई भी मचा सकता है, यूट्यूबर अलग है और आर्टिस्ट बनना अलग है, म्यूजिशियन अलग है और यूट्यूबर अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो स्ट्रीम्स में 80 मिलियन प्लेज आया तो मैं बोला कि एक फुल लेंथ बुक ही दूंगा और एल्बम बनाना इतना, जिसको देख के पब्लिक ने तो बहुत इंजॉय किया, पर भैया एमिवे ने नहीं। ये सब सुनने के बाद एमिवे भाई का है ना थोड़ा सा दिमाग खिसक गया और उन्होंने भैया निकाला एक गाना, जिसमें उन्होंने भैया डिवाइन को रिप्लाई देते हुए ना कुछ ऐसा कहा, 30 प्लस कुल्फा करके जाओ मेरा जिंगल बेल, मचाएंगे अकेला 110 मिलियन स्ट्रीम पे, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे बेटा हो तेरा ड्रीम है, यूट्यूब पे अकेले हम शॉट दे रहे सबको, ये तंबाकू ढसा के मुंह में बना रहे ले टीम है, चल देख लूंगा किसमें कितना दम, अखी एल्बम फेंक दूंगा जैसे बम, रातों रात कानो कान खबर नहीं, गाने बना शाने तुझे फैंस की कोई कदर नहीं, मर्डर नहीं फिलहाल हाफ मर्डर। अभी देखो एमिवे के गाने के आने के बाद ना थोड़ी गर्मी जो है ना बढ़ गई, अब इसके बाद ना एमिवे भाई लाइव आए इंस्टा पे, जहां उन्होंने थोड़े डिवाइन को थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कुछ ये सब भी बोला, ये ऑडियो प्लेटफॉर्म पे आई एम अर्निंग गुड मैन, आई एम अर्निंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, तुम अपना देखो भाई की पब्लिक, सच्ची में आजकल मैं यही सुन रहा हूँ कि लोग यूट्यूब को मजाक में ले रहे थे कि यूट्यूबर बन जाओ, तो नहीं क्या बात कर रहे हो तुम लोग, यूट्यूब ने हम सबको पहचान दिलाया, कभी भूलू मत ये बात को, यूट्यूब ने हमको पहचान दिलाया, तुम जो भी हो ना, तुम जहाँ पे भी जो भी आर्टिस्ट है, अंडरग्राउंड सीन हिप हॉप सीन, सबको पहचान दिलाने वाली चीज है यूट्यूब, और मैं यूट्यूब के लिए कभी भी एनी टाइम खड़ा हूँ, एंड मैं यूट्यूब की तरफ से हमेशा गाना पहले प्रायोरिटी मेरी यूट्यूब है, बिकॉज यूट्यूब ने हमको पहचान दिलाया और मैं उस पहचान के लिए हमेशा उस पर ही गाना डालता हूँ पहले, बाद में मेरा स्ट्रीमिंग पे सब चढ़ता है, और ये लोग इतना पटेली मारते हैं कि ऑडियो प्लेटफॉर्म स्ट्रीम ये वो, आर्टिस्ट भी ऑडियो प्लेटफॉर्म है, तो ये मेरे भाई लोग क्यों डालते हो गाने थे यूट्यूब पे, तो तुम मत डालो ना, इतनी पटेली अगर करनी है देन डोंट पुट म्यूजिक और म्यूजिक वीडियो रिलीज मत करो यूट्यूब पे, तुम लोग फिर यूट्यूब पे बंद कर दो, जब ये यूट्यूब पे हार गए, जब यूट्यूब पे नहीं कर पाए कुछ, व्हेन दे कांट टैकल मी, जब मेरे नंबर्स नहीं शॉट दे पा रहे, तो अभी दूसरा बहाना ढूंढ निकाले कि हाँ ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, देखो ऑडियो प्लेटफॉर्म में मचा रहे ले अपन, ऑडियो प्लेटफॉर्म में आटे दे रहे हैं, मेरा भाई ऑडियो प्लेटफॉर्म में भी हूँ मेरा भाई। खैर यही नहीं है एमिवे भाई, यही रुके नहीं, उन्होंने रफ्तार के बारे में भी कुछ बोला, जहाँ भैया वो बता रहे थे कि कृष्णा जो भी उन पे डिस बनाता है उसमें भैया रफ्तार का हाथ होता है, कुछ इस तरह से गाने पे गाने डाल रहा था, देन
यस इट्स ओपन टॉक लाइक रफ्तार ने म्यूजिक बना के अपने चिल्लर पार्टीज को भेजा दैट एमिवे के पास जाओ डिस हिम कम ऑन मैन ग्रो अप आई वुड लाइक टू से ग्रो अप सबको मैं यही बोलूंगा इट्स ऑल लव एंड ऑफ द डे आई हैव लव फॉर एवरीवन सारे आर्टिस्ट हार्ड हो तुम लोग सब लोग मस्त करे हो जस्ट डू योर गुड जॉब अच्छा काम करो खोटा मेरे को उंगली करोगे कुछ मतलब नहीं है बिकॉज मैं यहाँ पे बैठा हूँ हम लाइक स्टिल हंग्री हम जस्ट मेकिंग म्यूजिक आई एम डेडिकेटेड आई एम मेकिंग हार्ड म्यूजिक एंड मेरे को कोई कभी कुछ रोक नहीं सकता बिकॉज आई एम डूइंग माय स्टफ तुम अपना काम करो उंगली करोगे बेमतलब तो मतलब नहीं बनेगा तुमको लग रहा होगा कि यस अभी वो शान बैठ गया उसने कुछ किया नहीं बट ही प्रोड्यूस्ड म्यूजिक फॉर समवन जिसमें मेरे लिए डिस था तो ये भी याद रखो पब्लिक उंगली वहां से हो रहा है पब्लिक जो भी उंगली करे मैं कभी सामने से नहीं कर रहा हूं मैंने बस जब भी मेरे बारे में कोई कुछ बोला गया तभी मैंने बोला उसके बाद सब खत्म हो गई थी so please it's good to end otherwise man your wish तुमको जो करना करो अब ये सब चीज होने के बाद ना लोंडो रैपर कम्युनिटी में ना भाई थोड़ी गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई और भैया उसके बाद आया डिवाइन का लिट सा डिस्ट्रैक्ट जहाँ भैया उसने एकदम एमिवे को डेडिकेटेड करते हुए एक तो डिस्ट्रैक्ट निकाला जिसको मैं जानता हूँ तुम लोग में से बहुत लोगों ने सुना होगा भाई सुना फिर भी थोड़ा देखना जरा टिकटॉक नहीं है असोमिल वाला गाना तेरा हिप हॉप नहीं है असली शेर तू बंदर मैं सिद्धांत नहीं है अफरीद बंद मेरा चालू कबाब खाए हो लोंडो इतने भारी भारी शब्द सुनने के बाद सोचो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो भैया सोचो एमिवे का क्या हाल हुआ होगा खैर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ना अलग अलग भसड़ चलने को मिल रहा है अब भैया एमिवे के वीडियो में एमिवे के सपोर्टर्स भी दिख रहे हैं डिवाइन के भी दिख रहे हैं जो भैया एक दूसरे से भसड़ कर रहे हैं और सेम चीज डिवाइन के वीडियो पे भी हो रहा है और भैया आप लोग अगर वीडियो का रेशियो देखें लाइक डिसलाइक का तो भैया डिवाइन के वीडियो में 2.1 मिलियन व्यूज वो भी एक दिन में 240K लाइक्स और 31K डिसलाइक्स और सेम अगर एमिवे को देखा जाए तो उनके तीन दिन में है 3.8 मिलियन व्यूज जिसमें भैया डिसलाइक है 32K और लाइक्स हैं भैया 420K अब पल्ला किसका भारी है ना लॉन्डो अब तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में खैर डिवाइन का गाना सुनने के बाद ना भाई मैं ना एक चीज बता रहा हूँ कि बंटाई का भी गाना बहुत जल्द आएगा और भैया इसका इंतजार ना हम सबको है भैया पब्लिक को बहुत है खैर ये रही अब तक के रैपर्स ड्रामा की कहानी अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो एमिवे को या डिवाइन को और भाई अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे ना कि भाई तुम किसको फॉलो कर रहे हो तो भाई देखो मैं दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ और चाहे एमिवे हो या डिवाइन भाई मुझे दोनों के गाने अच्छे लगते हैं सो भाई मेरी यहाँ कोई चॉइस नहीं है भाई तो बस यार आज का लौड़ा लसन न्यूज़ यहीं खत्म करते हैं अगर आपको लौड़ा लसन न्यूज़ अच्छी लगी और आगे और भी देखना चाहते हैं तो भाई लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आगे और देखना चाहते हैं कि नहीं लौड़ा लसन न्यूज़ इसमें और भी कुछ एडिशन करेंगे फ्यूचर पे तो भाई यस पसंद आए तो ज़रूर बताना शेयर करना और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये रही इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय